जय हिंद अब तक की बड़ी खबर निकल के आ रही है भोगी अथवा पेंशन धारकों के लिए जितने भी हमारे पूर्व सैनिक है और पूर्व सैनिक या फिर रिटायरमेंट पेंशन धारक पेंशन भोगी उनके लिए वन रैंक वन पेंशन की एक बड़ी नोटिफिकेशन निकल के आ रही है जिसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा तो आज इस वीडियो को अंत तक देखें और आप लोग सभी से गुजारिश है कि वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें नीचे लाल का एक बटन दिया हुआ है नीचे लाल का का एक बटन है साइड में छोटी सी घंटी है दोनों को दबा लें ताकि आपको वन रैंक वन पेंशन की जो अपडेट है सबसे पहले मिले लेट्स स्टार्ट करते हैं आज की एक बड़ी खबर जिसमें पेंशन भोगियों को सौगात जी हाँ दोस्तों पेंशन भोगियों को मिल गई सौगात ये बड़ी सौगात आपके लिए होगी अगर वन रैंक वन पेंशन की तरफ से निकल के आ रहा है ऑफिशियली ये नोटिफिकेशन है जिसमें मैं सारा कुछ बताऊंगा कि जो भी हमारे एक्सर्समैन है या फिर पेंशनर रिटायरमेंट है उनको क्या क्या मिला है सौगात में और कौन सी खबर निकल के आई है और कब आपका सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार ने मांगा है तीन महीने का टाइम लेकिन तीन महीने की मौलत मिलने का समय मतलब कब क्या सुप्रीम कोर्ट देगा तीन महीने इसके ऑफिशियली मैं निकाल के लाया हूं न्यूज आपके लिए तो चैनल

रिविजन ऑफ ओ आर ओ पी इज एक्सेप्टेड बाई गेंट इन टू थाउजेंड फोर्टीन विल बी गेट विद न्यू रिवाइज पेंशन रवि सर ये जो है एयर मतलब फोर्स से रिटायर है वेटर है एक्सर्विस मैन है इन्होंने सस्वीर साहब को एट द रेट सस्वीर साहब को यहाँ पे कमेंट किया सस्वीर साहब ने भी उसका आंसर दिया है और यहाँ पे उन्होंने पूछा है सर गुड आफ्टरनून नाउ वट इज द प्रोग्रेस ऑफ जुलाई टू थाउजेंड नाइनटीन रिविजन मतलब जो दो हजार उन्नीस का मिलना था हम ओ आर ओ पी उसका क्या मतलब कि एक्सेप्टेड बाय गवर्नमेंट एक्सेप्ट किया कि नहीं और आखिर ये पेंशन कब मिलेगा और इसके बाद इसमें रिवाइज कब होगा ये सब की रिगार्डिंग पूछा गया है तो वहां पे एक बड़ा सा नोटिस निकल के सतवीर साहब ने हमें मैसेज किया जहाँ पे गवर्नमेंट डिड नॉट इम्प्लीमेंट फुल ओ ओपी बट इंप्लीमेंटेड वन रैंक डिफरेंट पेंशन मतलब कि गवर्नमेंट डिड नॉट इम्प्लीमेंट अभी इंप्लीमेंट नहीं किया वो आरपी और वन रैंक दे रहे हैं लेकिन डिफरेंट पेंशन मिल रही है सबको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर गवर्नमेंट टू पे एरियर मतलब सुप्रीम कोर्ट का को ऑर्डर है ऑर्डर था कि पे एरियर फ्रॉम वन जुलाई मतलब एक जुलाई दो से उन्नीस का आपको पे कर देना चाहिए लेकिन विद इन थ्री मंथ सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था सोलह मार्च को कि तीन महीने के अंदर भुगतान होना चाहिए बट गवर्नर हैज नॉट मतलब गवर्नमेंट हैज नॉट पेड द एरियर

मतलब 11 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट अभी बंद है 11 जुलाई को खुलेगा तो सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख को सुनवाई होगी कि केंद्र सरकार को तीन महीने की मोहलत मिलती है कि नहीं मिलती है मतलब केंद्र सरकार को तीन महीने का अगर टाइम नहीं मिला और जितना भी टाइम मिलेगा उसी टाइम के अंदर पेंशन धारक अथवा पेंशन भोगियों को भुगतान देना पड़ेगा तो ये बड़ी न्यूज निकल के आ रही थी आ, इस न्यूज का रिफरेंस आप देख सकते हैं कि ये चार बज के संतावन मिनट का है और 9 जुलाई 2022 का एकदम फ्रेश ट्वीट निकल के आ रहा है जहां पे फ्रेश जानकारी मिल रही है आप लोगों को अगर आप भी चाहते हैं कि वन रैंक वन पेंशन के घर बैठे हुए यूट्यूब के माध्यम से आपको हर एक जानकारी मिलते रहे तो आज ही चैनल को नीचे लाल कर बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी घंटित जय हिंद जय भारत वंदे दे